फूड व्लॉगर्स की सच्चाई देख लो एक बार। ये वीडियो दिल्ली की है, ये लेडी जो है ये दीक्षित करके है, ये वड़ा पाव बेच रही थी और दरअसल कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई जब एक फूड व्लॉगर ने इनकी वीडियो बना के और डाल दी और ये वायरल हो गई। अब प्रॉब्लम ये है ना कि फूड व्लॉगर तो अपने फेम के लिए सारी चीजें करके डाल देते हैं, लेकिन वो 1% भी ये नहीं सोचते कि इससे सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कभी भी कोई भी फूड का स्टॉल भी हम लगाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारी परमिशन से होती है फूड इंस्पेक्टर से और अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, बट वो बंदी को इतना बड़ा काम तो कर नहीं रही, वो नॉर्मल वड़ा पाव बेच रही थी, अपना आराम से चैन से काट रही थी, लेकिन किसी बेवकूफ फूड व्लॉगर ने उनकी वीडियो बनाई और वायरल कर, जिसके बाद MCD वालों ने और ना जाने कितने कितने डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर इतना गंदा प्रेशर बनाया। लोग उनसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैडम 300 करोड़ छापेगी क्या, थोड़े से हमें दे दे। मतलब सोसाइटी देख रहे हो आप, यहाँ पे लोग किसी दूसरे की सक्सेस खुश नहीं है, वो ये चाहते हैं कि वो सक्सेस हो रहा है तो हमें उसमें से दे, लेकिन हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे कि हम भी उतना कमा सके ना, तू कर रहा है तू मेरे को दे उसमें से, ये मेंटेलिटी है।